हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने। और देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। एक मैंने ले लिया है पैन, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, इसके अंदर डालेंगे हींग, इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, इसमें ऐड करेंगे अपनी टमाटो प्यूरी, और इसमें ऐड करेंगे अपने हम मसाले, हल्दी, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार, नमक ये भी अपने हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला। देखिए हमारा मसाला भून गया है। इसमें एक हम स्पेशल चीज़ डालेंगे और वो है दही। दही से इसका फ्लेवर जो है, इसमें जो टेस्ट आएगा वो अलग से खट्टा सा, क्रंचीनेस सा आ जाएगा इसके अंदर, वो एक बहुत अच्छा टेस्ट देगा। आप ट्राई कीजिएगा इसे बनाने के लिए और मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको अलग से कैसा लगा। उबाला आ गया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने आलू जो हमने बॉईल किए हुए हैं। बॉईल करके मैंने इसको मैश कर दिया, बिल्कुल मैश नहीं किया है, देख सकते हो आप, थोड़े से बड़े बड़े पीस हैं। इसमें इसको ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रसा वाला बनाऊंगी क्योंकि मैं पूड़ी के साथ बनाने लगी हूँ। मेरे बच्चे को बहुत टेस्टी लगता है आलू पूड़ी ये वाला। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है सब्जी को। देखिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे हम, ताकि आलू अच्छे से गले हुए हैं वैसे तो, लेकिन आलू और सब पानी अच्छे से रल जाए। आइए चेक करते हैं अपनी सब्जी को। देखिए आप इस शक्ल से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि सब्जी का टेस्ट कैसा होगा। आप इसे पूड़ी, चपाती, परांठी किसी के साथ भी सर्व करिए, इसका टेस्ट बहुत फ्लेवर जो होगा या टेस्ट होगा बहुत अच्छा आता है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।